अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोनिसास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी चिकन फ्राई। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास चिकन है 1 केजी, इसे अच्छी तरह से धोकर स्ट्रेन कर लिया है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और 2 बड़े चम्मच दही। अब इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे चिकन के साथ। मिक्स करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके, उसके बाद फ्राई करेंगे। आधा घंटा हो चुका है, इसे एक बार मिला लेंगे तो बस अब इसे फ्राई करते हैं। एक पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल। तेल गरम होने के बाद हम चिकन के एक एक पीसेस को इस तरह से रखेंगे। तो चले, मैंने डाल दी है जितनी आ सकती थी। अब इसे 2 मिनट तक ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर रहने देंगे, उसके बाद चलाएंगे। 2 मिनट के बाद इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। और अब कवर करके रखेंगे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद ये देखिए, चिकन ने थोड़ा सा पानी रिलीज़ किया है। इसे चला लेंगे और फिर से कवर करके रखेंगे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी गल जाए। तो ये देखिए, पानी इसका बिल्कुल सूख चुका है और मसाला भी भुन गया है। अब इसे हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक और भुनेंगे चम्मच चलाते हुए। तो बस अब ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया छिड़क देंगे। बस तैयार है चिकन फ्राई। फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे निकाल लेते हैं। बहुत चटपटी और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई है चिकन फ्राई। इसे रोटी या पराठे के साथ भी खा सकते हैं और सादी भी खा सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।